कुड़ियां छेड़न वाले मुंडियां दे उत्ते हुण पुलिस दा शिकंजा कसदा जा रहा है। दरअसल जानकारी मुताबिक कि जो लड़कियां पहला स्कूल जांदियां सी तां उन्हां नूं रस्ते दे विच कुछ लड़कियां दे वल्लों गलत हरकतां करके गलत कमेंट करके तंग परेशान किया जाता सी ते इस संबंधी सूचना जो है वह पुलिस नूं दित्ती गई सी। तां जिस तों बाद हुण पुलिस दे वल्लों वड्डी कार्रवाई करदे होए एक तां जदों स्कूल दा टाइम शुरू हुंदा उस समय सड़क दे उत्ते आके नाकेबंदी की जा रही है ते दूजे पासे जदों लड़कियां दे घर जाण दा समय हुंदा है तां उस समय भी पुलिस जो है वह सड़क दे उपर आ जाती है ता जो लड़कियां नूं सुरक्षा महसूस करवाई जा सके। तां दस दिए कि जिस तों बाद हुण पुलिस दे वल्लों एक होर नवा कदम चुकदे होए लोकां दी भी चैकिंग की जा रही है कि आखिर वह अपने बाइक के उत्ते कित्थे जा रहे हैं। जेकर कोई बिना वजह घूमता दिखाई दिंदा है तां उन्हां दे उत्ते भी बनदी कार्रवाई की जा रही है। तां मामला हरियाणा के सोहना तो सामने आया जिथे कि लड़कियां जो अक्सर स्कूल तो घर जांदियां सी तां रस्ते दे विच कुछ लड़कियां दे वल्लों गलत हरकतां कीतियां जांदियां सी जिसनूं देखदे होए जदों पुलिस नूं इस संबंधी शिकायत दित्ती गई तां पुलिस सड़कां दे उत्ते ही उतरी आई। कहा जा रहा है कि एक तां स्कूल लगण दे समय जिथे सड़कां दे उत्ते पुलिस दे वल्लों चैकिंग कीती जांदी है उत्थे बिना वजह घूमण वाले लड़कियां दी चैकिंग करदे होए उन्हां ते बनदी कार्रवाई भी की जा रही है। इत्थों तक कहा जा रहा है कि उन्हां दे वाहनां नूं भी कई बार जब्त किया गया। तो दस दिए कि सोहना दे विच इह कार्रवाई पुलिस दे वल्लों की गई है जिथे कि जो लड़कियां नूं तंग परेशान करदे सी मनचले उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुण शुरू कर दित्ती गई है। सर, अगर हम आपकी सुरक्षा की बात करें तो अब पुलिस सुरक्षा हमें बहुत अच्छे से मिलती है। पहले अगर देखा जाए तो पहले हमारे स्कूल के सामने भी सुबह के टाइम जब हम आते थे हमें बहुत सारे लड़के मिला करते थे, जब पुलिस की सुरक्षा हमारे पास नहीं थी। पर अब हमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिल गई है और हम बहुत ज्यादा सिक्योर भी फील करते हैं, क्योंकि हम जब आते हैं व हम जब घर जाते हैं तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, उसके अलावा भी पूरी गली तक जो पूरा रोड है हमें पूरी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। स्कूल जो स्टाफ है आपका वो आपको क्या व्यवस्था मुहैया करा रहा है? सर, हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली है, जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए बसेस और वैन्स, उसके अलावा रिक्शे वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। और जिन बच्चों का जो रेजिडेंस है वो बहुत ज्यादा दूर था, उन्हें पैदल आना पड़ता था, वहीं अब उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल गई है, उस वजह से उन्हें बहुत मदद भी मिली है। पहले से अब कैसा महसूस करते हैं? सर, पहले से अब की अगर हम कंडीशन देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी को लेकर देखें, ट्रांसपोर्ट को लेकर देखें, तो सारी चीजें अब एकदम बेस्ट है। पहले के टाइम में मतलब पुलिस बाहर नहीं लगी रहती थी, अब सर अब छुट्टी के टाइम जैसे लड़के जाते हैं, मतलब मामले बहुत सामने आए हैं कि लड़कियों को छेड़छाड़ खाने की, इस समय तो पुलिस हमें बहुत अच्छी सुरक्षा दे रही है कि लड़कियों को हमें साथ ले जाना पड़ता है लड़कियों को, और बाहर सुरक्षा पाई जाती है पुलिस वगैरह हमेशा। अब इसी चीज को लेकर व्यवस्था क्या की है पुलिस, कैसे आपको सुरक्षा दे रही है? पुलिस हमारे सुबह स्कूल दूर दूर से बच्चे आते, दूर दूर जगह से पुलिस हमेशा जहाँ माँ स्कूल आ रहे थे वहाँ खड़ी पा रहे, स्कूल के दरवाजे पे पुलिस हमेशा तैनात रहती है और लड़कियों की पूरी सुरक्षा दी जा रही है, और स्कूल की छुट्टी के टाइम में पुलिस हमेशा तैनात रहती है, और कोई भी परेशानी हो तो पुलिस हमेशा उसको सुरक्षा प्रदान करती है। स्कूल स्टाफ ने सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, ट्रांसपोर्ट से दूर दूर के बच्चों के आने के लिए बच्चों के लिए ट्रैवलिंग बस लगाई गई है, ट्रक ऑटो लगाया गया, बस लगाया गया, दूर दूर से बच्चे आते हैं उनको परेशानी होती है आने जाने में, तो उनके लिए कोई कोई प्रेस होते हैं कि भेजते नहीं कि बच्चे स्कूल ऑटो से ज्यादा छेड़खानी हो बस से ज्यादा, तो इसलिए स्कूल ने ट्रांसपोर्ट की सेवा लगाई है, बस लगाई गई दूर दूर से बच्चों के आने जाने के लिए। आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पिछले के अकॉर्डिंग पिछले बहुत बहुत व्यवहार अच्छा व्यवहार बहुत बुरा था, पर आप सही है, पुलिस बहुत सुरक्षा दे रही है, स्कूल ने बहुत साथ दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, पहले काफी मतलब होता था जैसे लड़के घूमते थे, छेड़खानियां होती थी, काफी सेफ्टी नहीं थी, तो काफी अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील होता था, क्योंकि हम आते हैं लड़के देखते हैं तो लड़की को थोड़ा बहुत तो लगता है, लेकिन अब हमारे स्कूल स्टाफ ने, प्रिंसिपल सर ने काफी अच्छा किया कि ट्रांसपोर्ट सुविधा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने पुलिस फोर्स, हम स्कूल से लेकर घर तक पुलिस फोर्स देखते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, तो हमें उससे बहुत ही अच्छा फील होता है, उन्होंने इतनी सारी हमारे लिए सुविधाएं करी, पुलिस फोर्स हमारे साथ साथ रहती है हमारे स्कूल से लेकर घर तक। अब कैसा महसूस करते हैं सुरक्षा को लेकर? अब तो सुरक्षा को लेकर काफी अच्छा महसूस करते हैं, जैसे पहले लड़कियां डरती थी, उनके पेरेंट्स भी काफी सोचते थे कि लड़कियों को भेजने, बहुत डरते थे, कतराते थे कि इतना कुछ केसेस होते हैं, लेकिन अब जो है पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बिल्कुल सेफली अपनी लड़कियों को भेजने के लिए तैयार है। सुबह मॉर्निंग में जो बच्चों की स्कूल का टाइम होता है तो हमारी फुहारा चौकी व स्टाफ सारा ही रोड पे आ जाते, और मन चल रहे जो घूमते हैं खड़े होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं,
जो बिना काम की बिना वजह जो हमें खड़ा मिलता है तो उसके साथ हम सख्ती से पेश आते हैं और उसकी जो मोटरसाइकिल होती है तो उसको इम्पाउंड जरूर करते हैं या चालान करते हैं, उनके वारिसानों को भी सूचना देते हैं। सर पूरी व्यवस्था क्या है, पूरी व्यवस्था किस तरह की हुई है? पूरी व्यवस्था यही है, हमने ये प्रण लिया है कि बच्चों जो बेटियां बच्चे जो पढ़ रहे हैं कम से कम 2500 बच्चे हैं इसमें, सारे आसपास के गांवों के बच्चे हैं बच्चियां पढ़ती हैं इसमें, तो इसमें पहले थी ये सच्चाई है आप कह रहे हैं वो भी पहले यही था कि मनचले और ये आवारा लड़के घूमते थे, लेकिन हमने ये अभियान चलाया हुआ है, हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लड़कियों की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी कभी भी। छुट्टियों के समय क्या व्यवस्था की जाती है? 3:30 बजे छुट्टी होती है तो हम 3 बजे अपना पूरा चौकी स्टाफ निकल जाता है और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि 500 मीटर पे और तिकोना पार्क और तावड़ रोड से इधर से आती हैं बच्चियां पैदल पैदल, उनको रोड पार कराते हैं और जो भी आवारा किस्म के लड़के घूमते हैं उनके साथ हम सख्ती से पेश आते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये लगातार चलेगा कंटिन्यू, ताकि अनुशासन बना रहे और आवारा किस्म के लड़कों का डर भय पैदा होता रहे और बच्चे ये सुरक्षित ये माने अपने आप को, हम सुरक्षित हैं, पुलिस कानून हमारे साथ है।